ইমান পিছত আহে নাই ইমান লোক গাড়ী পাছে চাব লাগে না আপোনাৰ ইমান টাইম নাই নেকি নাই মই বলো হেগেছ ওয়েলকাম মাই নম্বৰ 20 ব্লগছ আজ মে জানে বালা হ আসাম সে दिल्ली तक दिल्ली यानी कि ग्रेटर नोएडा बाइक राइड करके जाने वाला था क्योंकि मेरा माँ ने मना किया। मैं हम लोग तो गांव वाला है इसलिए माँ ने भी थोड़ा डर गए इतना दूर कैसे बाइक राइड करके जाएगा, इसलिए मैंने मेरा प्लान चेंज कर दिया। इसी वजह से अभी मैं शिवसागर से हमारा घर से मैं गुवाहाटी तक बाइक राइड करके जाऊँगा, उसके बाद मेरा जो बाइक का सामान है बाइक वगैरह सब कुछ ट्रेन में चला जाएगा। अभी मेरा मैं यानी क्योंकि मैं दिल्ली से लौट जाऊँगा गेट में जाए, इसी की वजह से मेरा माँ ने मेरा गाड़ी को थोड़ा पूजा कर रहा है ऐसे ही। अभी मैं आप लोगों को पूरा गांव की नज़ारा दिखाने वाला हूँ क्योंकि गांव में बहुत पानी हो रहा है, इसी साइड में भी हो रहा है, इसी साइड में भी हो रहा है। ये सब सभी सुअर का बादशाह है, ये गाय वगैरह सब यहाँ पे ही पाल रहा है क्योंकि घर घर में पूरा पानी आ गया इसी वजह से। ये जितना पानी देख रहा है आप लोग, ये सब जो पानी है ये बारिश का पानी है, बारिश का पानी अभी जाने के लिए नदी में भी बहुत ज़्यादा पान आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे भी पूरा पानी ही पानी हो गया। हमारा आसाम में सभी लोगों को इतना दिक्कत होता है बोल नहीं सकता है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को काजीरंगा जो अभयारण्य है ना वो दिखाऊंगा, अभी जैसे जैसे मैं जाकर गुवाहाटी पहुंचूंगा तब मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अभी चलो ऐसे ही चलते हैं, गांव की नज़ारा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। गांव का रास्ता ऐसा ही होता है, ये इतना अच्छा वाला रास्ता है नहीं क्योंकि इतना कोई आता जाता नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत भी होता है, इतना यानी कि डेवलप भी होता नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही मैं क्या बताऊँ, मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। चलो अभी ऐसे ही चल के देखते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ, मैं जो नदी के बारे में बोल रहा हूँ डिखो नदी वो दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसी साइड से उसी साइड में ऐसे ही बीच में चला जाऊँगा। चलो देखते हैं डिखो नदी का नज़ारा। अभी ये नया नया बनाया है बीच, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है हमारा गांव वाला को क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। ये देखिए ये होता है हमारा डिखो नदी। डिखो नदी को नदी बोलता नहीं हूँ हम लोग, मैया बोलता हूँ, जैसे हम लोगों का माँ को हम लोग माँ बोलता है क्योंकि मैं भी वो ये डिखो नदी को माँ ही मानता हूँ क्योंकि इसी में ही जब छोटा था तब इसी में ही खेल कूद करके स्विमिंग वगैरह सीख लिया और लग रहा है क्या बताऊँ मैं ऐसे ही। ये देखिए कैसा रास्ता है, क्योंकि ये भी ठीक होगा धीरे से ठीक होगा, ये धीरे धीरे ठीक कर देगा, ये अभी जैसे दलंग बना हुआ है ना धीरे धीरे ये भी ठीक कर देगा। अभी मैं मेन हाईवे पहुंच जाऊंगा तो कुछ देर का बाद। थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत होता है, होता है नहीं हो रहा है नहीं, आप तो देख रहा है मैं आया हूँ, क्यों लेकर आया आपने। थोड़ा फ्यूल अप करा लेना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं फ्यूल नहीं है मेरा बाइक में, कहीं तो दिक्कत हो सकता है मेरा। अभी मैं आके डिपो पहुँच गया, डिपो पहुँचने के बाद थोड़ा मैं 500 का ही पेट्रोल डाल लेता हूँ क्योंकि और डालना पड़ेगा, अभी इतना ही डाल लेता हूँ।
500 दे दीजिए भैया, 500। यहाँ पे ही अभी मैं 500 पेट्रोल डालूंगा, उसके बाद कितना दूर चलेगा इस 500 पेट्रोल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ही नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, असम की नज़ारा ऐसा होता है। मौसम देखिए, आज मौसम बहुत अच्छा है। ये सब भैया मेरा पहचान वाला ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे ही पला बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए बहुत अच्छा लगा मिल के भाई से एक दे रहा हूँ। ये मेरा भैया है, ये भी मेरा भैया है। मेरा नोवा 20 नाम से यूट्यूब में चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, देखने का मन है तो। नमस्ते नमस्ते, चलता हूँ मैं भैया। अभी मैं फ्यूल अप करा लिया, फ्यूल अप कराने का बाद अभी चलता हूँ। भाई सॉरी, दिखाई नहीं दिया। अभी चलो चलते हैं, अभी जोरहाट पे मिलता हूँ। हे भगवान, तुमको मैं एक बात बोलूँ, मेरे को आज की तरफ ये जानी मेरे को दिल्ली पहुँचा देना, क्योंकि मेरे को रास्ता में कुछ होगा तो मेरा जो मैया है ना, जितना साल तक जिंदा रहेगा उतना साल तक रो रो के रहेगा। इसी वजह से भगवान मेरे को बहुत अच्छी तरफ मेरे को पहुंचा देना, दिल्ली पहुंचा देना। हे गाइस, मैं गोरी सागर से आके मैं जोरहाट अभी पहुंच गया। पहुंचने का बाद अभी धीरे धीरे जाऊंगा, क्योंकि अभी देखो मेरा बाइक का हालत देखो कैसा बन गया, इतना मिट्टी है, मिट्टी की वजह से मेरा बाइक का हालत देखो। थोड़ा हवा भी चेक करना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं है। चलो चलते हैं, अभी इसी रास्ता में ही थोड़ा आगे चला जाऊंगा मैं। अभी मैं जोरहाट से आ रहा हूँ गुवाहाटी तक, अभी भी बहुत टाइम लगेगा, यहाँ से भी अभी 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है कितना किलोमीटर होगा। अभी ऐसे ही धीरे धीरे जाऊँगा। और रास्ता देखिए, रास्ता का हालत देखिए कैसे है, क्योंकि रास्ता का हालत ऐसा ही है। ज़्यादा धीरे धीरे जाऊंगा तो मैं गिर भी सकता हूँ, क्योंकि बाइक बहुत ऊँचा है, इसी वजह से मेरे को भी थोड़ा दिक्कत होता है। कोई दिक्कत होता नहीं है ऐसे ही, अभी तो मज़ा आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार मैं इतना दूर मैं जर्नी करने के लिए आया हूँ। अभी ऐसे ही बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। मेरा जो गुवाहाटी का मेरा गांव का जो लड़का है, मेरा फ्रेंड है, यानी कि मेरा भाई ही है वो, उन्होंने मेरे को लोकेशन भेज कर रखा है। अभी यहाँ लोकेशन ऑन करूँगा नहीं, जब गुवाहाटी पहुँच जाऊँगा तब करूँगा, क्योंकि ये रास्ता मेरे को अच्छी तरह पता है। चलो चलते हैं, देवगांव नुमलीगढ़ बुकाखाट गुवाहाटी, यहाँ से अभी 300 किलोमीटर है, आप लोग एक बार देख लीजिए, गुवाहाटी तक 300 किलोमीटर है अभी। अभी मैं थोड़ा, यानी कि मैं घर से यहाँ तक ऐसे बैठ बैठ के आया, अभी थोड़ा मैं खड़ा होकर चलाऊँगा, अभी थोड़ा दूर चलाऊँगा, क्योंकि कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। दर्द हुआ नहीं, क्योंकि एक बैग लेकर आया हूँ मैं, इसी वजह से मेरे को भी थोड़ा अच्छा फील होगा। हाँ चलो, मज़ा लेता है। धीरे 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 सब अच्छी तरह बोलना, कैसे करना चाहिए, एडिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छी तरह सीख जाऊँगा, खाली आप लोग मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए। ये सही, क्योंकि जब अभी मैं आया था ना, आने का बाद मेरा जो मैया है ना, मैया रो रहा है, मैया ने मेरे को मना किया, बेटा तू ऐसे ही राइड करके दिल्ली तक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे को अच्छी तरह हिंदी भी आता नहीं है। इसी वजह से मैं, मेरा जो दो, मेरा जो डॉक्टर है, जैसे मेरा सर है, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह हिंदी सिखाया, और हिंदी सिखाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा, और क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। गुड़िया रानी ने भी मेरे को बहुत अच्छी तरह हिंदी सिखाया था, मैम ने भी मेरे को बहुत अच्छी तरह हिंदी सिखाया था, सभी लोगों ने मेरे को, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह हिंदी सिखाया।
और जैसे अभी जाऊंगा सब लोग मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं कहाँ पहुँच गया कहाँ पहुँच गया। मैं बोलूँ यहाँ पहुँच रहा हूँ यहाँ पहुँच रहा हूँ। मामू ने भी मेरे को बहुत हेल्प किया है, मेरा बड़ा भाई ने भी बहुत हेल्प किया है मेरे को, और मेरा जो सर है डॉक्टर उन्होंने भी, मेरा उदित भाई, उदित डॉक्टर भाई, वो भी मेरे को बहुत हेल्प किया है। उदित डॉक्टर मेरा असम जोरहाट से ही है, वो भी दिल्ली में डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने ही मेरे को दिल्ली ले गया था गांव से, क्योंकि मैं गांव जंघर से ही बिलोंग करता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है मैं कहाँ से बिलोंग किया था, मैं देखा ही था आप लोगों को। ऐसे ही मैं अभी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं गांव में था तब कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अभी जैसे अभी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं नया एक ज़िंदगी मिल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, ऐसे ही अभी जाऊँगा। खाली आप लोग मेरे को थोड़ा प्यार कीजिए और सब्सक्राइब वब्सक्राइब कीजिए, कैसे बोलना चाहिए वो भी मेरे को पता नहीं। माफ़ कीजिए मेरे को, सच में माफ़ कीजिए आप लोग मेरे को। ऐसे ही डालूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मेरे को भी घूमना है, थोड़ा मेरे को भी जाना है, ऐसे ही अच्छा लगता है मेरे को। अभी जाऊँगा यहाँ से जाके थोड़ा दूर में, मैया ने मेरे के लिए कुछ खाना बना कर दिया है बेटा, तो उधर में कुछ मत खाना होटल में, ये डर पे है मेरा माँ, उन्होंने ऐसे ही बोलता है बेटा। हेलो सर, ए धीरे धीरे ही आ रहा हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, भगवान से दुआ मांगिए, तुरंत जाके आपका पास पहुँच जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ अभी मेरे को सारे कॉल किया था धीरे धीरे पहुँचने के लिए, टेंशन देखिए सब लोगों का टेंशन क्योंकि मैं गांव का लड़का हूँ ना, इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत करता है। चलो चलते हैं, NRI DCL टूल गेट बना रहा है नया वाला टूल गेट। असम पे दो चीज देखने के लिए जरूर मिलेगा, असम पे दो चीज यानी कि बारिश और चाय पत्ती। अभी जितना दूर से आ रहा हूँ इतना दूर से चाय पत्ती ही है, चाय पत्ती है, चाय पत्ती सब चाय पत्ती है। पानी का सीजन चल रहा है ना, इसी वजह से काजीरंगा में बहुत दिक्कत हो रहा है जीव जंतु का, बहुत दिक्कत, खाना पीना यानी कि बहुत दिक्कत। अभी मैं जाऊंगा ऐसे ही रास्ता में जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, ताकि जीव जंतु कुछ मिलेगा तो मैं दिखा सकूँ। दुख की बात है, दुख की बात भी नहीं है, अभी ही हो रहा है वो नहीं है ना, पूरा साल ऐसे ही होके रहता है। पानी होने से उन लोगों को भी थोड़ा मौज आता है, मौज आने से उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है ना। वो चार दिन पाँच दिन ऐसे ही रहेगा, जैसे बारिश आ जाएगा, बारिश में जीव जंतु भीगने का आवाज मेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा मेकिंग होता है। जैसे गाय वगैरह जीव जंतु जैसे पानी चाहिए उन लोगों को, बारिश का पानी होने से वो भी मेकिंग करते हैं, होता है, मेरे को पता है, मैं गांव वाला हूँ ना, इसलिए बहुत अच्छी तरह पता है, मैं जंगल से बिलोंग करता हूँ। हाँ ये रहो बेम्बो का बेम्बो है, ये बेम्बो कॉल करके पूछ रहा है, देखा आप लोगों ने भी सुना, धीरे धीरे चलाना भाई। आगे में भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को भी पता नहीं।
इसी रास्ता में ही जाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि थोड़ा आगे में पुलिस वगैरह ने कुछ करके रखा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा नहीं, मैं बोलू सोचा ऐसे चला जाएगा। कई बार नहीं, मेरा बाइक गिर गया। कोई बात नहीं, मेरा पेन में थोड़ा मैं भी आ गया सलायर। अभी स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं। सर ने कहा था रुकने के लिए, सर मैं जाऊं, मैं गुवाहाटी जाऊंगा दिल्ली। कोई बात नहीं, ऐसे मैं भी गिर गया था। अभी मैं यहाँ के काजीरंगा पहुँच गया। काजीरंगा पहुँचने के बाद ये लाइन देख ली, क्योंकि पानी हो रहा था ना, इसी वजह से पूरा फ्रेश ने गाड़ी रखा गया, रुका के रखा गया। दूर दूर तक पूरा गाड़ी ही गाड़ी है, देखिए लाइन में देखिए कितना गाड़ी है। उसी सहने रखा कर रखा था, और इसी कहा है धीरे धीरे चलने के लिए, क्योंकि आगे में जान पर हो सकता है। ये देखिए आप लोग, ये बहुत ज़्यादा तेज भी चलने के लिए दिया नहीं है हम लोगों को, इसलिए जाने के लिए दे रहा है, क्योंकि यहाँ में बहुत पानी हो गया, पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। ये देखिए जंगल, देखिए आप लोग, मैं अभी 27-30 इतना स्पीड में ही आ रहा हूँ। ये देखिए गाड़ी हमारा आगे में है, देख रहे हैं।
ये इतना पुलिस है, इतना पुलिस है, कुछ होने के लिए रीजन है कि यहाँ पे। अभी मैं काजीरंगा की देखनी हूँ, देखिए नहीं जाना चाहिए, कुछ बात करके आता हूँ लोगों से। जो ना सिग्नल दिया था मेरे को थोड़ा बात कर, कोई बात नहीं। नमस्ते, मेरा YouTube में चैनल है, मैं आसाम से राइड कर रहा हूँ अभी, इसीलिए मैं बोलूँ आप लोगों ने मेरे को सिग्नल दिया इसलिए मैं रुक गया। नमस्ते मैम। नमस्ते, इसलिए मैं ऐसे रुका हुआ है, आप बता सकते हैं मेरे को? यहाँ पर एनिमल है ना, इसी हाँ इसीलिए बारिश का सीजन है। मेरा ये नोवा 20 नाम से है। आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से ही हूँ, शिवसागर। মনা কি মেরে বাইক রাইড করতে গেলে এসে কহা তো ট্রেন মে হি বাইক লে যা ইসলিয়ে মে অভি ট্রেন মে হি বাইক লে যাউঙ্গা। মে আচ্ছি তো আসামিস বল সকতা হুম কিউকি অভি ভিডিও শুট হো রহা হ্যা ইসি বজহ সে মে হিন্দি মে বাত কর রহা হুম। ঠিক আছে সন্ধ্যা, নমস্তে। আচ্ছা লাগা বাত করবে, হ্যাঁ হ্যাঁ ধীরে ধীরে হি যাউঙ্গা। নব 20 নাম সে হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আপ লোক ভি আ জায়গা কোই বাত নেই। अभी बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग भी आसामीज हैं, मैं जैसा आसामीज लड़का हूँ वो लड़का भी आसामीज है। तो मैं धीरे धीरे चला जाऊँगा। क्योंकि इतना अच्छी तरह बोल के भेजा हुआ है, बोल बहुत ज़्यादा बारिश आ गया। देखो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा जगह में रुकूँगा, रुकना तो पड़ेगा। काजीरंगा के बीच में जो बारिश की मजा ले रहा हूँ, देखिए आप लोग, देखिए काजीरंगा के बीच में हूँ मैं। बाइक राइडिंग का मजा आ रहा है क्योंकि अभी मैं काजीरंगा फ्रेश उसका अंदर में है। देखिए अभी गाइस बारिश में भीग के कैसा बन गया, देखो हालत ऐसा बन गया, मेरा बाइक का हालत देखो ऐसा बन गया। और एक मेरा भाई मिला है, वो ही है भाई, अभी हम लोग दोनों एक राइड करेगा। ये भाई नौगांव तक जाएगा, मैं ऐसे गुवाहाटी तक चला जाऊंगा। हाय बोल दो भाई। ये है भाई। अभी मौसम देखिए, थोड़ा आगे में इतना ज्यादा बारिश था पूरा भिगा दिया, अभी धूप देखो कितना हो गया। हमें ऐसे ही पानी
अभी जैसे यहाँ पर पुलिस को ज़्यादा क्लियर पता है, जैसे जंगल की अंदर से सांप वगैरह रास्ता के बीच में आ जाएगा और ज़्यादा तो कुछ बाइक चलाएगा तो गाड़ी चलाएगा तो बाइक का नीचे में आकर गाड़ी का नीचे में आकर मार सकता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं इसी सुनसान रास्ता में अकेला हूँ पहाड़ देखे। गाइस अभी जो सुबह मेरा माँ ने मेरे लिए बनाकर दिया था जो खाना है, ये खाना खाऊंगा अभी। ये सब माँ ने बनाकर दिया था, अभी इसी में यहाँ पे ही मैं बैठ रहा हूँ। ये जो बेम्बू का एक क्या बोलता सांग बोलता है और एक चीज दिखाने वाला हूँ, ये मेरा बाइक है। अभी सब खाना बिना खा के मैं चला जाऊँगा। हे गाइस आज मैं खाना कहाँ खाया पता है, काजीरंगा फॉरेस्ट के अंदर में। देखो यहाँ नहीं खाना पीना खाया था, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले लिया। रेस्ट लेने के बाद अभी चला जाऊँगा, वहाँ भी चला जाऊँगा। ये देखिए ये देखिए, ऐसे भी बहुत मजा आता है। हे गाइस अभी मैं बहुत टाइम रेस्ट ले लिया, रेस्ट लेने के बाद अभी सोच रहा हूँ चला जाऊँ। क्योंकि और एक बात, मेरा मैया ने जो मेरे को खाना दिया था वो थोड़ा मैंने खाया और थोड़ा किसके लिए डाल दिया पता है आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सभी लोगों को खिलाना चाहिए। अभी इसी रास्ता में ही चला जाऊंगा आगे आगे। अभी मैं थोड़ा देर का बाद यहाँ से और 100 किलोमीटर बाकी है गुवाहाटी पहुँचने में। अभी बारिश आ गया, देखो अभी बारिश की वजह से रुकना पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसीलिए मेरा जो आईफोन है हेलमेट में लगाया नहीं था। मैं बोलूँ थोड़ा दूर का बाद जाके जब गुवाहाटी पहुँचूँगा तब वीडियो शूट करूँगा। अभी बारिश की वजह से मेरे को रुकना पड़ा, देखो ये भाई साहब भी रुकना पड़ा है देखो। वही पूरा बारिश ही बारिश, यहाँ पे बारिश हो रहा है, थोड़ा दूर पे धूप हो रहा है, ऐसा हालत हो रहा है अभी आसाम पे देखो। गाइस मैं एक बात बताऊं, जैसे मेरा जो एंड्रॉइड वाला मोबाइल है अभी चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म होने के बाद अभी ऐसे ही मैं चार्ज लाऊं। हे गाइस अभी बारिश खत्म हो गया, चलो चलते हैं, रास्ता में मिलते हैं। मैं कहां था, अभी थोड़ा देर का बाद ही धूप आ जाएगा, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए पानी ही पानी है, अभी ये देखिए अभी धूप है, क्या करो अभी चला जाऊंगा। और 142 किलोमीटर है गुवाहाटी पहुंचने के लिए, कोई बात नहीं ऐसे ही चला जाऊंगा। मौसम देखिए, मौसम बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत अच्छा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, ऐसे ही है ना। हे गाइस पहाड़ का नजारा देखिए, मैं आगे गुवाहाटी पहुंचने पूरा दिन बारिश में भीग गया है, ऐसे बाइक राइड कर गया, इसी वजह से थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, कल मिलूंगा।